अमेरिका भी कहता है कि काश ये भारत की खुफिया सेना मेरे पास भी होती। दोस्तों नमस्कार, ऑप्टिमम वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं महेश शर्मा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन ग्लेशियर की, जहां पर हमारे जवान लगातार 0 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी सुरक्षा करते रहते हैं। हमारे जवान यहाँ पर 13 अप्रैल 1984 से लगातार तैनात हैं और हमारी सीमा की सुरक्षा आतंकवादियों से करते हैं। दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जगह समुद्र तल से 6000 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर हर चीज़ जम जाती है। यहाँ पर हमारी सेना के जवान लड़ाई से ज़्यादा मौसम की मार से शहीद होते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि जब अपने घरों में हम आराम से रजाई में सो रहे होते हैं तो हमारे जवान किस तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। यहाँ के मौसम में जवानों को ऐसे कपड़े पहनने पड़ते हैं कि शरीर का एक भी अंग दिखाई नहीं देता है। अगर बिना दस्तानों के 15 सेकंड भी राइफल छू लें तो भयंकर शीत दंश का शिकार हो जाते हैं। इसके कारण ही कई जवान अपनी जान गंवा चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हाईली ट्रेंड भारतीय आर्मी सोल्जर ही टिक पाते हैं। 6000 मीटर की ऊँचाई पर तापमान 0 से -70 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ऐसे में शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। नहाना तो मौत को बुलावा देना के बराबर है। यहाँ सिर्फ 10% ही ऑक्सीजन होती है और गर्मी में भी तापमान 0 से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दोस्तों सियाचिन में 3 महीने के लिए ही जवानों की तैनाती होती है, इसलिए गर्म कपड़े और मोजे पहले ही भेज दिए जाते हैं। जवानों के पास इंटीग्रेटेड हट होते हैं जो उनको ख़राब मौसम से बचाते हैं। सोल्जर्स को यहाँ पर स्लीपिंग बैग दिए जाते हैं और ख़ुद को गर्म रखने के लिए टेंट में खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सोल्जर्स को हर समय दूसरी बीमारियाँ लगने का ख़तरा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो भूख लगती है और ना ही ठीक से नींद आती है। इसलिए यहाँ पर जवानों की हालत बिगड़ने लगती है। बोलने में ही कपकपी छूट जाती है। ब्रश करना तो दूर की बात है, क्योंकि यहाँ पर टूथपेस्ट भी जमकर पत्थर बन जाता है। ऑक्सीजन कम होने के कारण यहाँ पर जवानों को कम सुनाई देता है और कम दिखाई देने के साथ साथ मेमोरी लॉस भी होने लगती है। और दोस्तों यहाँ पर खाना पीना भी एक बड़ी समस्या है। सियाचिन एक ऐसी जगह है जहाँ पर संतरा और सेब पत्थर का बन जाता है। यहाँ ताज़ा खाना मिलना संभव नहीं है, इसलिए डिब्बा बंद बना बनाया खाना भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई फल या सब्जी नहीं खा सकता। हर चीज़ बर्फ़ में बदलते देर नहीं लगती है। हर दिन यहाँ हेलीकॉप्टर से खाना भेजा जाता है। तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी इस तरह की वीडियोस में आपको देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।